Esame, con un Ashanti Kamsala. तो गाइज मेरे पास 5 kg मटन है, तो इसमें 2 पैकेट डालेंगे। ये हस्बैंड जायका होते हैं, जितने चाहे आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का बारबेक्यू खाना है। मैं तो फुल स्पाइसी के मूड में हूँ, जिसकी वजह से मैं 2 डालूंगा इसमें। ये पकड़ लिया। ओए ओए ओए। गाइज अब मैं लगाने लगा हूँ इसके ऊपर मलाई और क्रीम, जूसी बारबेक्यू हो जाएगा ये। ओए ओए ओए। क्रीमी और जूसी चाम्पिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बीएन व्लॉग्स। गाइस आज मेरा घर में बारबेक्यू करने का काफ़ी दिल चाह रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं बारबेक्यू की मैरिनेशन में कौन कौन से मसाले डालता हूँ। चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस अब चलते हैं किचन में, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पे मैंने मसाले रखे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने काफी वैरायटीज के मसाले यहाँ रखे हुए हैं। और इस तरफ मैंने मीट धोया है, जो कि मैंने 5 kg मटन मंगवाया है बारबेक्यू के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मटन को डालते हैं बाउल में। ये थोड़ा सा मैंने फैट वाला मटन लिया है, ताकि बारबेक्यू में आपको पता है जब तक फैट वाला मटन ना हो मजा ही नहीं आता। मटन को डालते हैं बाउल में। तो गाइस मटन को मैंने डाल लिया बाउल में। गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मसाले हैं। मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली, अजवाइन। गाइस इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये मीठा सोडा है। मुझे किसी बारबेक्यू वाले ने कहा था, अगर आप मीठा सोडा डालते हैं बारबेक्यू के मैरिनेशन में तो टेस्ट थोड़ा हटके आता है, जिसकी वजह से आज मैं पहली दफा ट्राई करूंगा मीठा सोडा बारबेक्यू में। यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, हल्दी, सॉल्ट, फूड कलर। गाइस इस तरफ विनेगर पड़ा हुआ है, योगर्ट, लेमन। गाइस किसी भी बारबेक्यू में शान तिक्का मसाला को हम भूल नहीं सकते। तो शान तिक्का मसाला, मीट टेंडराइजर एक ऐसी चीज है जो मटन को बहुत जल्दी गला देगी। तो चलते हैं अब डालते हैं मसाले। तो गाइस ये मैंने क्वांटिटीज ऑलरेडी जो डलती है वो रेडी करके रखी हुई है, तो अब मैं डालना स्टार्ट करूंगा इनके अंदर। सबसे पहले मैंने डाला विनेगर, अब मैं डालूंगा फूड कलर। सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, मीठा सोडा, हल्दी, अजवाइन, रेड चिली। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होंगे। गरम मसाला पिसा हुआ, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गाइस अब मैं खोलूंगा शांति का मसाला। तो गाइस मेरे पास 5 kg मटन है, तो इसमें 2 पैकेट डालेंगे। ये हस्बैंड जायका होते हैं, जितने चाहे आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का बारबेक्यू खाना है। मैं तो फुल स्पाइसी के मूड में हूँ, जिसकी वजह से मैं 2 डालूंगा इसमें।
ये तो एक माउंटेन सी बन गई है। अब मैं डालता हूं नीट एंड राइजर, गाइस ये भी आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रहा हूं 3-4-5 टेबलस्पून। लेमन, बारबेक्यू हो और लेमन ना डले तो मजा ही नहीं आता। तो गाइस मैंने तकरीबन 7-8 लेमन रखे हुए छोटे छोटे और मैं डालूंगा इसमें। मैं डालूंगा लेमन इसमें, लेमन एक ऐसी चीज है जिससे जो बारबेक्यू का टेस्ट है ना वो और जबरदस्त हो जाता है। लेमन डालने के बाद अब बारी आ गई दही की, योगर्ट की। हाँ मैं डालूंगा योगर्ट, तो आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल योगर्ट का लिया हुआ छोटा। योगर्ट के बाद लास्ट में बारी आती है ऑयल की, मैं डालूंगा इसमें ऑयल। थोड़ा सा वो डालता हूं मैं, अब करते हैं मिक्स। तो गाइस इसको जितने अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा उतना ही ज़बरदस्त मसाला इसमें लगेगा और ये उतना ही ज़बरदस्त मैरिनेट होगा। गाइस अच्छे तरीके से मसाला मिक्स करने के बाद मैं इसको रैप करूंगा प्लास्टिक रैप, जिससे ये होगा कि ये एयर टाइट हो जाएगा और मैरिनेशन अच्छे तरीके से और हो जाएगी। जो टेस्ट आता है फिर वो बहुत ही आला आता है। शौक के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। अब मैं इसमें इसको करूंगा रैप।
गाइस आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से रैप हो चुका है। अब मैं इसको रखूंगा 3 to 4 hours के लिए फ्रिज में और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना बारबेक्यू। गाइस वीडियो आ चुकी है, अब मैं और जमाल जलाने लगे कोयले। चलो जमाल साहब शुरू हो जाओ। क्या बात है जमाल, मटन बारबेक्यू वाला। लाल भैया आपकी स्पीड तो बहुत स्लो है, रात के 3 बज रहे हैं, जितनी स्पीड जा रहा है। मेरे आंखों में तो आंसू आ रहे हैं धुंध की वजह से। ये देखिए क्या कर रहा है, आग लग भी गई है मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं आपके यार। लिटरली मैं तो रो रहा हूँ यार। जमाल पता क्या चक्कर है, भाई से काका कहना मैं थक गया हूँ आज। आज मैंने सोचा क्यों ना यार मैं घर नहीं करूँ यार। असल में ना बारबेक्यू घर में बहुत मजा आता है, खास करके मटन का। यही तो बात है यार, गोश्त हम लोग दुबे का लेके आए हैं। वो मैंने व्यूअर्स को बताया था इसमें फैट ज्यादा है। हाँ जी मजा ही तब आएगा जब फैट ज्यादा होता है। क्या कर रहे हैं? लगी है इसको पकड़ स्टार्ट कर दे। कोई ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं मेरे। भाई कोयले बड़े हैं क्या और चाहिए? काफी है। देख ले। हाँ। भाई ये हो चुकी है मेरी मीठी रेडी। अब मैं रखने लगा हूँ सीधे। ये लोग वैसे फंगो हुआ यहाँ से पकड़ो।
शुक्रिया जनाब। गाइस हमें ज्वाइन किया हुसैन ने। हुसैन बात क्यों खाने? हाय करो। हाय हुसैन बहुत शौक से खाता बारबी क्यू। हुसैन का फेवरेट है बारबी क्यू। क्या धुआं जल्दी कर यार, इतना स्लो दिमागी धुआं क्यों इतना ज्यादा आ रहा है? मुझे लगता है जो डुम्बे की चर्बी है ना उसकी वजह से ज्यादा धुआं आ रहा है। सही है। गाइस मैंने मलाई के अंदर क्रीम मिक्स की है और अब मैं इसको लगाने लगा हूँ मटन पर। तो मटन मलाई बोटी, क्रीमी मटन मलाई बोटी। मैंने लास्ट टाइम में ये किया था, बहुत जबरदस्त टेस्ट आया। मैं तो पहली दफा करके देख रहा हूँ, देखो इसका टेस्ट कैसा आता है। जब तूने जाम लगाई थी वो गिर गई है, मैंने तुझे कहा था तेरा तरीका सही नहीं है। गाइस अब रेडी हो चुकी है हमारी सीखे। ओए होए ये बहुत ज्यादा गर्म है। जमाल कपड़ा दे यार। यार इसको ऐसे चिमटे से पकड़ के उतार लो, एक एक करके ऐसे कर रखो इसके ऊपर। ओए ओए होए ये तो गर्म अच्छी खासी है। कोयलों पे पड़ी है तो गर्म ही होनी है, ठंडी तो नहीं होनी। मैं आपको दिखाता हूँ चांप। ये है चांप रेडी होकर। गाइस अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो लाइव बारबेक्यू लगा के दिखा रहा हूं, सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा। ओए 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 गाइस अब लग रही है मलाई और क्रीम। ओए 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 रही है क्रीमी और जूसी चांपे। ओए होए होए जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही आला आ रही है, बहुत ही लाजवाब है। गाइस मैं अब आपको दिखाता हूं क्रीमी और जूसी चांपे। गाइस रेडी हो चुका है हमारा बारबेक्यू। जब मैंने और जमाल ने रेडी किया है और आपको मैं दिखाता हूं चांपों का साइज क्या बात है। अब चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ और आपको बताते हैं कि बारबेक्यू का टेस्ट कैसा है। पहले मैं करता हूं, पहले तुमने करना चाहिए। पहले मैं करूंगा। हाँ अपने मुंह मियां मीठू बनना तो अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो यार बाहर की भी चांपे खाते हैं मगर घर की चांपे ये देखें यार, कितनी दफा कितनी जबरदस्त स्टैंडर्ड हुई हुई है। ये देखें आप, ये सिर्फ मसाले का कमाल है जो मैंने लगाया। थैंक यू यार कमाल है। सबसे पहले मैं पुदीने की चटनी के साथ ट्राई करूंगा। ओए 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 आउट क्लास यार, आउट क्लास। इसका मतलब पास हो गया यार। आपको शौक खोलनी चाहिए। अब मैं करूंगा बादाम के साथ आलू बुखारे की चटनी। ये देखे इसमें बादाम भी डले हुए हैं। गाइस ये होममेड आलू बुखारे की चटनी है जो मेरी अम्मी ने रेडी की है, लेकिन ये बाजार से भी बहुत आगे है। और लास्ट एंड जो हमारी ट्रेडिशनल चटनी जिसे हम कहते हैं वो हर जगह मिलती है, रायता। यार टू मच बढ़िया, टू मच बढ़िया। मैं शुरू करूं? गाइस मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं डालूंगा लेमन,
क्योंकि मैंने बाहर के बारबेक्यू खाए हैं, सबसे ज्यादा डलता है लेमन। और अब मैं स्टार्ट करूंगा चाम से। गाइस आप देख सकते हैं कि चाम का साइज अच्छा खासा है, पर ये जो गली हुई है ना वो भी बहुत अलग गली हुई है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आलू बहारे की चटनी से, बादामों के साथ आलू बहारे की चटनी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जबरदस्त चटनी हुई है कि मुंह में जा रही है, घुल रही है बिल्कुल। इसका टेस्ट है ना बहुत ही आला है, आप जैसा कोई चॉकलेट खा रहे हैं, सिमिलरली ना जिस तरह ये घुल रही है। गाइस कितनी जूसी है और इतनी जबरदस्त गली हुई है ना, इसका जो जायका बहुत ही आला है। अब ग्रीन चटनी से बहुत आला रायता, तो हम खाते रहते हैं रायते से, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन गाइस बारबेक्यू का जो असल मजा है ना वो आलू बहारे की चटनी से है, और खाली आलू बहारे की चटनी नहीं, बादामों वाली आलू बहारे की चटनी से मजा आ गया। गाइस मेरा अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो करना बनता है बॉस, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।